सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम लोग इंडियन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज में। और इसमें हम आज जिन ट्रीज का डिस्कशन करेंगे वो तीन नए ट्रीज हैं, एज़ा डायरेक्टा इंडिका, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा एंड कैसिया सियामिया। देखिए, इसमें यूपीएससी अक्सर आपसे एज़ा डायरेक्टा इंडिका के बारे में पूछता है। अगर आपने ब्यूटिया मोनोस्पर्मा और कैसिया सियामिया नहीं भी किया, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट अगर आपके सामने है, तो केवल एज़ा डायरेक्टा इंडिका करके भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर टाइम है, अवेलेबिलिटी है, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा और कैसिया सियामिया भी जरूर देख लीजिएगा। क्लास अभी इस लेक्चर के अंतर्गत मैं आपको ये तीनों के तीनों ट्रीज के बारे में समझाने वाला हूँ। टाइम कंस्ट्रेंट है तो फिर से मैं एक और बार कहूंगा, केवल एज अ डायरेक्टर इंडिका देखकर भी आपका काम चल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एज अ डायरेक्टर इंडिका के सिल्वीकल्चरल प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। तो सिल्वीकल्चरल प्रॉपर्टीज एज अ डायरेक्टर इंडिका की कुछ इस तरीके से है। कॉमन नेम इसका क्या है? नीम। ये अक्सर हमारे घर के आसपास आपने देखा होगा, अपने घर के आसपास या अपने रीजन के अंतर्गत जरूर आपने नीम कभी ना कभी देखा होगा। फैमिली क्या है? मेलियासी है। ये आप यहाँ पर इसकी लीव्स देख रहे हैं और साथ ही साथ जो इसका फ्रूट है उसे देख पा रहे होंगे, निबोरी इसे कहते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन यदि देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ये लगभग इंडिया के हर रीजन में एज अ डायरेक्टर इंडिका आपको दिखेगा। क्लाइमेट, रेनफॉल इज अराउंड 50 to 100 सेंटीमीटर्स। सॉइल आपको कहाँ से कौन कौन सी मिल सकती है? सैंडी एंड क्ले, ये प्रोमिनेंट सॉइल है एज अ डायरेक्टर इंडिका के लिए। देन टेम्परेचर इज योर 22-45 डिग्री सेल्सियस। देन फिजियोगनॉमी एंड फिनोलॉजी के बारे में बात करो तो एवरग्रीन ट्री है, ये आपको याद रखना है और इसे लिखना जरूर है अगर पेपर में आपसे एज अ डायरेक्टर इंडिका के सेल्विकल्चरल प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जा रहा है। देन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? इट इज अ लाइट डिमांडर, इट इज अ फ्रॉस्ट एंडर, ये याद रखिएगा, कोपाइसेस वेल एंड गुड रूट सकरिंग, यानी कि अगर फ्रॉस्ट पड़ जाएगी तो ऐसा अक्सर होता है कि एज अ डायरेक्टर इंडिका उसमें सूख जाए, उस टाइम पर परफॉर्म ठीक से नहीं करे, ठीक है। एंड इट इज अ लाइट डिमांडर, कोपाइसिस वेल एंड गुड रूट सकरिंग। देन रीजनरेशन की प्रॉपर्टीज की यदि बात करें तो नेचुरल रीजनरेशन में सीड, कोपाइसिंग एज वेल एज रूट सकरिंग, ये तीनों के द्वारा ही नेचुरल रीजनरेशन हो सकता है। आर्टिफिशियल रीजनरेशन की बात करें तो सोइंग एंड स्टम्प प्लांटिंग, ये स्टम्प प्लांटिंग को देखिए रेड में लिखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर एज अ डायरेक्टर इंडिका में आप स्टम्प प्लांटिंग लिखना भूल गए हैं तो आपके नंबर जरूर कट सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो एज अ डायरेक्टर इंडिका के अंतर्गत आती है वो भूल गए हैं। तो इसे जरूर मेंशन कीजिएगा स्टम्प प्लांटिंग, और हाईलाइट भी कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आपने सही चीजें लिखी है। देन व्हाट आर द यूसेज? फर्नीचर के लिए होता है, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स एज वेल एज फॉडर, ये तीनों के लिए इसका यूसेज है एज अ डायरेक्टर इंडिका का। नेक्स्ट ही देखते हैं, दैट इज योर ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। देखिए ये फ्लावर है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा का, इसे हिंदी में पलाश भी कहा जाता है और फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट ये टर्म याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यू के अंतर्गत आपसे ये चीज पूछ ले। अगर आप सेंट्रल इंडिया या डेक्कन प्लेट्यू रीजन से आते हैं तो अक्सर वहां पर ये ट्री होता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, तो वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। फैमिली इज लेग्यूमिनोसी, ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज इट्स फैमिली? डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने पहले ही बता दिया है, सेंट्रल इंडिया रीजन एज वेल एज योर डेक्कन प्लेट्यू। क्लाइमेट, क्लाइमेटिक कंडीशन देखें तो रेनफॉल इज 75 to 100 सेंटीमीटर्स, सॉइल इज योर सैंडी एंड क्ले, टेम्परेचर इज अराउंड 20 to 45 डिग्री सेल्सियस। देन फिजियोगनॉमी को बात करें तो इट्स अ डेसिडुअस ट्री। देन फ्लावरिंग कब से कब होती है? जनवरी टू अप्रैल। यदि आप इस रीजन में रहते हैं सेंट्रल इंडिया या डेक्कन प्लेट्यू के अंतर्गत, तो आपको अक्सर इस मौसम में जो अभी चल रहा है, फरवरी का महीना चल रहा है, तो उसमें आपको दिखेगा पलाश के फूल खिलते हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से सीड राइपनिंग की बात करें तो मई टू जून के आसपास सीड राइपनिंग होती है, यानी कि जस्ट बारिश से पहले सीड की राइपनिंग हो जाती है। देन लीव शेडिंग इज ड्यूरिंग नवंबर एंड दिसंबर बिकॉज इट्स अ डेसिडुअस ट्री, जैसे मैंने कल बताया था कल के लेक्चर में। अगर डेसिडुअस ट्री है और सेंट्रल इंडिया एज वेल एज नॉर्दर्न इंडिया के अंतर्गत पाया जा रहा है, तो वो अक्सर ठंड के समय अपने जो लीव्स हैं उसे गिरा देंगे। देन सिल्वीकल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स अ लाइट डिमांडर, इट्स अ फ्रॉस्ट हार्डी, ये ध्यान रखिएगा फ्रॉस्ट हार्डी है एज अ डायरेक्टर इंडिका इज अ फ्रॉस्ट एंडा। देन कोपाइसेस वेल, गुड रूट सकरिंग एंड पोलार्डिंग। देन रीजनरेशन किसके द्वारा होगी? तीनों के द्वारा होगी, सीड, कोपाइसिंग एंड रूट सकरिंग। एंड आर्टिफिशियल रीजनरेशन इज थ्रू सोइंग एंड स्टम्प प्लांटिंग। यूसेज इज योर लैक, कप्स एंड दोना, ये दोना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश रीजन से बिलोंग करते हैं
तो हो सकता है कि इंटरव्यू में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लें कि ब्यूटी मोनोस्पर्मा का यूसेज क्या है। तो वहां पर अगर आपने एक ये यूसेज बोल दिया सीधा, सर दोना में यूज होता है, प्लेट्स में यूज होता है, तो एग्जामिनर काफी खुश हो जाएगा कि आपको पता है कि आखिर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। नहीं तो आप वही सारे एप्लीकेशन जनरल वाले बोलते रहे कि सर एग्रीकल्चर इम्प्लांट्स के लिए यूज होता है, या फिर टिम्बर इंडस्ट्री में यूज होता है, या फिर फॉर्डर में यूज होता है, तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप आंसर दे तो रहे हैं लेकिन जो उसका क्रक्स है, जो उसका मेन यूसेज है, वो नहीं बता पा रहे। तो दोना जरूर याद रखेगा कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहां पर यूज होता है। देन कैसिया सियामिया, नेक्स्ट ट्री इज कैसिया सियामिया, कॉमन नेम इज सियामिस सेना एंड फैमिली इज योर लेग्यूमिनोसी। ठीक है, ये पेड़ को आप देख पा रहे होंगे, इसके फ्लावर्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, एज वेल एज लीव। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन अक्सर ये सदर्न इंडिया एज वेल एज सेंट्रल इंडिया में दिखता है। क्लाइमेटिक कंडीशन इज योर रेनफॉल 50 टू 200 सेंटीमीटर्स, सॉइल वेल ड्रेन एंड न्यूट्रिएंट सॉइल, टेम्परेचर इज अराउंड 20 टू 45 डिग्री सेल्सियस। फिजियोग्नोमी, इट्स एन एवरग्रीन ट्री, फ्लावरिंग कब होती है, अप्रैल और मई के महीने के अंतर्गत इसकी फ्लावरिंग होती है, जस्ट बारिश से पहले फ्लावरिंग आप देख सकते हैं। सेल्वे कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट्स अ लाइट डिमांडर, ड्रॉट हार्डी एंड कोपाइसेस वेरी वेल। एंड देन रीजनरेशन के अंतर्गत यदि देखें तो नेचुरल इज योर थ्रू सीड एंड कोपाइसिंग एंड आर्टिफिशियल सोइंग एंड प्लांटिंग। एंड यूसेज, यूसेज यहाँ पर कोई प्रोमिनेंट यूसेज है नहीं, वही जनरल यूसेज आप लिख सकते हैं, लिखना है तो भी चल जाएगा, नहीं तो ये सारे यूसेज है ही, फ्यूल वुड, टैनिन, फॉडर, ग्रीन मैन्योर। तो ये था इन तीनों ट्रीज के बारे में एक ब्रीफ सिल्विकल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनकी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के तीन ट्रीज के बारे में समझेंगे। थैंक यू।